अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोर के लाइफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन, साथ में 1.5 कप चीनी, इसके अलावा 1.5 कप पानी, 3 टेबलस्पून सूजी, 1 टीस्पून फूड कलर और साथ में सब्ज़ी इलायची ली है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें जो है बेसन को ऐड कर देंगे। और साथ में इसमें जो सूजी है वो भी ऐड कर देंगे। और हम सूजी जो है तब तक इसे हम जो है अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक इसकी एक फ्रेग्रेंस नहीं आती। और इस स्टेप में जो है हम मुसलसल जो है चम्मच को हिलाते रहेंगे। इस तरह से जो 5 मिनट है वे गुजर चुके हैं, अब आप इसे देख सकते हैं। अब हम इसमें जो है फूड कलर वो ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद जो है वो 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अच्छे से भून लिया, अब हम इसे फ्लेम से उतार के साइड पे रख देंगे। दूसरी जानिब अब हम जो है चाशनी बनाएंगे। उसके लिए 1.5 कप हमने जो पानी है वो ऐड करेंगे और साथ में 1.5 कप जो चीनी है वो ऐड कर देंगे। बनने लग जाएंगे और जो चाशनी की एक तार जो होती है वो बन जाएगी, तब जो ये चाशनी है वो रेडी हो जाएगी। अब ये जो चाशनी है इसके बबल्स बनना शुरू हो गए। अब ये जो चाशनी है इसके बबल्स जो है वो बनना शुरू हो गए। अब इसमें जो सब्ज़ी इलायची है वो ऐड कर देंगे और जब तक ये एक तार की फॉर्म भी नहीं आ जाती तब तक इसे पकाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी चाशनी है वो रेडी है, इसकी एक तार जो है वो प्रॉपर बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चाशनी है उसको जो है हमने जो बेसन का मिक्सचर बनाया था उसे हमने पकाया था उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से जो बर्फ़ी की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आपने रेसिपी बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट स्टेप में जब हमने उसे पकाया था शीरा ऐड करने के बाद, तो आपने फ़ौरन से उसे जो है फ्लेम से उतार लेना है ताकि जो वो बर्फ़ी है वो आपकी ख़राब ना हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।